चौथी पास राजा को समझ नहीं आ रहा है देश कैसे चलाएं। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को दिया यह चैलेंज। सरकार के अध्यादेश के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान में आज रविवार को 11 जून को आम आदमी पार्टी की महारैली कर रही है। इसमें शामिल होने वाले लोगों को गर्मी से बचाने के लिए मैदान में विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। इस रैली को लेकर दिल्ली के सीएम और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार में तानाशाही अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली की जनता रामलीला मैदान में एकजुट हो रही है। इसके साथ ही केजरीवाल ने अपील की कि संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए इस महारैली के सभी लोग शामिल हों। रामलीला मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि चौथी पास राजा जो पीएम मोदी को कह रहे थे समझ नहीं आ रहा है कि देश कैसे चलाया जाए। चारों तरफ बेरोजगारी फैली हुई है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह दूर करें, भ्रष्टाचार कैसे दूर करें। जीएसटी के कारण व्यापारी परेशान है, रेलवे का क्या हाल कर दिया, पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है 2022 में और एकदम तबाही मचा दी है। 2002 में पीएम गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 12 साल गुजरात के सीएम रहे, पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री हैं, 21 साल हो गए राज करते करते। मैं 2015 में मुख्यमंत्री बना, मुझे 8 साल हो गए, आज उन्हें चुनौती देता हूँ 21 साल और 8 साल किसने अधिक काम किया। केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली वालों ने 2024 में मोदी जी को 7 सीटें दी, मगर 70 में से 3 सीटें बीजेपी को दी, 67 सीटें आपको दी। उसके बाद 2019 में दिल्ली ने कहा कि आप देश संभालो, मगर 70 में से 62 सीटें दी। बोले केजरीवाल जी आप दिल्ली संभालो, मगर पीएम मोदी फिर से दिल्ली वालों से पीछे पड़े हुए हैं, आपसे देश नहीं संभालना बेड़ा गर्क कर दिया है, आपने दूध सब्जी LPG इतनी महंगाई बढ़ा दी है। क्या है दिल्ली सरकार और अध्यादेश मामला? बता दें कि 11 मई के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग सहित सेवा मामलों में जुड़े सभी कामकाज पर दिल्ली सरकार का कंट्रोल बताया था। वहीं जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के अलावा सभी विभागों के अफसरों पर केंद्र सरकार का कंट्रोल कर दिया गया। यह पावर मिलते हैं केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सचिवालय की स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस के अधिकारी चैम्बर 403 और 404 को सील करने का फरमान सुना दिया और विजिलेंस अधिकारी राजशेखर को उनके पद से हटा दिया। लेकिन केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई और फिर राजशेखर को अपना पद वापस मिल गया। इसके बाद पता चला कि दिल्ली शराब घोटाला और सीएम केजरीवाल के बंगले पर खर्च हुए करोड़ों रुपये की जांच राजशेखर ही कर रहे थे। उन्हें पद से हटाए जाने के बाद उनके दफ्तर में रखी फाइलों से छेड़छाड़ किए जाने की भी बात सामने आई थी। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राजशेखर के दफ्तर में आधी रात को 2-3 लोग फाइलें खंगालते हुए देखे हुए गए थे। ऐसे में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित और अजय माकन द्वारा कहा जा रहा है कि केजरीवाल इस अध्यादेश का विरोध दिल्ली की जनता के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं। साथ ही इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस से केजरीवाल का साथ ना देने की अपील की है। वहीं सीएम केजरीवाल ने केंद्र के इस अध्यादेश को संविधान का गला घोटने वाला और लोकतंत्र पर हमला करने वाला बता रहे हैं और तमाम विपक्षी दलों को एक साथ आने की अपील कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल को मोदी परेशान कर रहे हैं? तो अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।